नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो जुपिटर आपके 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में भ्रमण करने वाला है, वो कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट कर रहा है वो आज मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊँगी। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जुपिटर जो होता है वो आपके छठे घर का स्वामी है और आपके नवम भाव का स्वामी है। अब वो आपके अष्टम भाव में जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सप्तम भाव से अब अष्टम भाव में जा रहा है जुपिटर। देखिए, अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिनोट करता है। अब ये जो जुपिटर आपके अष्टम भाव में जाने के कारण, एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है और आपको कुछ लोगों से डिटैच होने की आप कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये नेगेटिव नहीं बता रही हूँ मैं, मगर कुछ समय आप अपने साथ बिताना पसंद करेंगे। मगर देखिए, बहुत ज़्यादा एकांत या बहुत ज़्यादा अपने अंदर डूब जाने में आप ये कॉन्शियस वर्ल्ड के साथ खुद का कनेक्शन मत तोड़ दीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए, जुपिटर का अष्टम में जाने के कारण इंसान को मंत्र में, साधना में, वो कोई भी प्रकार का इस प्रकार की गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। मगर ये इंटरेस्ट बढ़ने के कारण वो प्रैक्टिकल लाइफ को खो देता है। देखिए, आप कोई भी प्रकार की मंत्र करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेस्ट है। मगर कॉन्शियसली आप इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहकर अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हाँ, अगर आप इसके नेगेटिव साइड को देखें तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में और बहुत ही डीप थिंकिंग में जब बहुत इंसान चला जाता है तो वो फिर बहुत अंधश्रद्धा के स्तर तक निकल जाता है, तो ये चीज़ में मत पड़िएगा। देखिए, इस जुपिटर का अगर पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छे लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंट्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं। देखिए, ये जो जुपिटर है आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ प्राप्त होती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको फॉरेन लैंड से हो सकते हैं। ये जुपिटर की दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है, आपके खर्चों पर नियंत्रण आएगा आपका। प्लस आप विदेश संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, और स्पेशली रिसर्च के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। विदेश का कोई भी कार्य आपका नहीं अटकेगा। अगर कोई फाइल रखी है आपने तो ये जुपिटर आपको 100% विदेश लेकर जा रही है। अब जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो देखिए, फैमिली में बढ़ोतरी हो रही है, फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट्स था अब वो सॉल्व हो रहा है। तो ये जुपिटर, अगर आप कुछ बोलकर पैसे कमाना चाहते हैं, वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर ये जो जुपिटर है, आपको जो कहते हैं ना, इंसान बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच्ड हो जाए, वो प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है। लोगों के साथ अटैच्ड रहना है, इस पूरी ही दुनिया में आप जो भी कार्य करते हैं तो लोगों से कम्युनिकेशन गैप न होने दीजिए। खुद को लोगों के साथ और पब्लिक में रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और एकांत आपके लिए नुकसानदायक है। देखिए, ये जो जुपिटर आपके सेकंड हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत राइट होंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। प्लस ये इन्वेस्टमेंट्स से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, कुछ सेविंग्स भी हो पाएगी आपकी, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो अब वो डिसीज़न आ सकता है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अष्टम का गुरु अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज से गेन्स देता है। अब ये गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं
तो अब आपको घर की प्राप्ति 100% हो जाएगी। अब देखिए, ये जो जुपिटर है, सबसे बड़ी चीज़ ये माता के सुख में वृद्धि हो रही है। माता को अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। और इससे संबंधित अगर कोई ब्रोकरेज का भी कार्य करते हैं प्रॉपर्टी संबंधित, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, जो घर आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा, अब आपको वो घर या वो स्थान या कोई आप स्टोर लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, तो इस तरह की स्थिति के हर कार्य ये जुपिटर आपका कर रहा है। देखिए, इस जुपिटर के कारण अगर आप काफ़ी समय से कोई वाहन लेना चाहते हैं और वो नहीं ले पा रहे, तो अब वो जुपिटर आपको ये वाहन का सुख भी दे रहा है। प्लस ये जुपिटर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं तो भी ये जुपिटर आपको वो रेंट पर देने में काफ़ी मदद करेगा। तो ओवरऑल आपके सुख में वृद्धि हो रही है, मगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कारण ये जुपिटर आपको आपके अंदर की एक यात्रा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डूब न जाएं, बस उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के खुद के अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंत्र करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अंधश्रद्धा की तरफ खुद को मत ले जाइएगा। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति के विश्वास को मजबूत कीजिए, तो इस समय का आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर पाएंगे। ये जुपिटर की दृष्टि 12th हाउस पे भी है, इसके कारण आपको थोड़ा आपका मन ईश्वरमय ज़्यादा रहेगा, आपके विचार मोक्ष की तरफ ज़्यादा रहेंगे। मगर हमें इस संसार में रहकर कुछ कार्य करने हैं, तो खुद को कॉन्शियसली आप इस संसार और हम आसपास के लोगों से जोड़ कर रखिएगा, तो इस जुपिटर से आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। खुद को नेगेटिविटी से बचा कर रखिएगा। आई होप कि ये पूरे ही डिस्क्रिप्शन को मैंने आपको दे दिया है। बहुत ही पॉजिटिव रहकर आगे बढ़िएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। अगर आप मुझसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर आपके बर्थ डिटेल्स भेजिए, मैं आपको कंसल्टेशन की जो भी जानकारी है आपको पूर्ण रूप से दे दूँगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।